जल्दी करो घर वापसी, नहीं तो होगा एक्शन। कट जाएगा बिजली गैस पानी का कनेक्शन। 200 पूर्व सांसदों के खिलाफ ऑपरेशन बंगला। जो अब सांसद नहीं है वे बंगले में डटे हैं, और जो सांसद हैं वो वेटिंग में खड़े हैं। वेटिंग वाली लाइन में इसलिए हैं क्योंकि कई पूर्व सांसद सरकारी बंगले पर कुंडली मार कर बैठे हैं। वे सरकारी बंगला खाली करने में आनाकानी कर रहे हैं, लेट लतीफी कर रहे हैं। कई बार नोटिस भेजा गया लेकिन सरकारी घर छोड़ने के लिए दिल है कि मानता नहीं। अब संसद की आवास समिति के अध्यक्ष CR पाटिल ने ऐसे तमाम पूर्व सांसदों को अल्टीमेटम दे दिया है, साफ कर दिया है कि 3 दिन के भीतर बिजली पानी गैस का कनेक्शन काटा जाएगा और 7 दिन के भीतर ऐसे बंगले खाली करने ही होंगे। नियम के अनुसार अगर वो सांसद पुनः इलेक्ट नहीं होता है या वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो 30 दिन के अंदर उनको मकान खाली करना होता है। 30 दिन के अंदर, मगर कई लोगों ने अपनी कुछ वजह से अभी तक अगर नहीं किया है तो उनको आज हमारी कमेटी मीटिंग में ही तय किया गया है कि 3 दिन के बाद उनका लाइट गैस पानी का कनेक्शन बंद कर दो और 7 दिन के अंदर उनको खाली करने के लिए रिक्वेस्ट करके उनको खाली करवा दो। 17वीं लोकसभा के 303 नए सांसदों को सरकारी आवास आवंटित हो चुका है। पहली बार जीतने वाले और फिर से जीतने वाले 384 सांसदों का सरकारी बंगले में गृह प्रवेश हो चुका है। 2 दिन के भीतर 20 सांसदों को और भी मकान आवंटित कर दिया जाना है और हफ्ते भर के भीतर बाकी बचे सभी सांसदों को उनका सरकारी आवास अलॉट किए जाने की तैयारी है। इसलिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, हफ्ते भर में उन सभी को बंगला खाली करना ही होगा जो अब तक लेट लतीफी कर रहे हैं। ऐसे ज्यादातर पूर्व सांसदों ने यही कहा कि वो जल्द ही बंगला खाली कर देंगे लेकिन ऐसा किया नहीं। 16वीं लोकसभा 25 मई को ही भंग कर दी गई थी और नियम के मुताबिक इन पूर्व सांसदों को 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी बंगले खाली करने थे, लेकिन तय समय के 55 दिन बाद भी जब सरकारी बंगले खाली नहीं हो पाए तो 7 दिन के एक्शन वाला अल्टीमेटम तैयार कर दिया गया। भी बचे हैं वो खाली कर देंगे, बहुत से लोगों ने खाली कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 50-60 होंगे जिनका काम चल रहा है खाली करने का, पूरा नहीं हुआ होगा मगर काम चल रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिन्होंने खाली करने से मना किया या नहीं खाली करा, ऐसा एक भी नहीं है। लुटियन दिल्ली में बने ऐसे बंगलों में कई नेताजी सालों से रह रहे थे। इनमें से कुछ कई बार के सांसद थे लेकिन इस बार या तो उन्हें टिकट नहीं मिला या फिर चुनाव हार गए, जिसके बाद वे इस बंगले में रहने के हकदार नहीं रहे। लेकिन लुटियन दिल्ली में टिके रहने का माया मोह ऐसा है कि बंगला खाली करने से ऐसे पूर्व सांसद बचते रहे, हालांकि इनमें कुछ का दावा देरी के पीछे ठोस वजह का है। आमतौर पर यह अनुभव आ रहा है कि जब नया सत्र शुरू होता है तब सांसदों को रहने की व्यवस्था की बहुत असुविधा रहती है, लंबे अरसे तक होटल्स बुक करने पड़ते हैं और जैसे जैसे खाली होते हैं फिर उसको ठीक ठाक करो फिर आओ, तो एक ऐसा चक्र चलता रहता है कि उसमें से बाहर आने का एक सुविचारित प्रयास कि अब व्यवस्थाओं को स्थायी रूप से कैसे विकसित करें और बदलते समय के अनुकूल व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें। 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए जिन सांसदों को अब तक लुटियन दिल्ली में घर नहीं मिला है वो अस्थायी आवास में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। पहले नवनिर्वाचित सांसदों को बंगला आवंटित होने तक ज्यादातर 5-स्टार होटलों में ठहराया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खर्च कम करने के लिए सांसदों को अलग अलग जगहों पर गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। लंबे समय तक एक सांसद के लिए गेस्ट हाउस में रहना मुश्किल होता है। संसदीय क्षेत्र से मिलने आने वाले लोगों के लिए यहाँ जरूरी इंतजाम नहीं होते, इसलिए इन्हें सरकारी आवास की सख्त दरकार होती है। इसके लिए जरूरी है कि इतनी बड़ी तादाद में बंगला खाली हो। टर्म पूरा होने के बाद भी सरकारी बंगलों में रहने वाले सांसदों में हर पार्टी के नेता हैं। चाहे चुनाव हार गए हों, चाहे विचारधारा अलग अलग रखते हों, लेकिन जब बात बंगले की आए तो एक ही सोच के संगम में सब डुबकी लगाते हैं। ये लुटियन दिल्ली में इस तरह रम गए हैं कि इन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि अब ये सांसद नहीं रहे
और अब इन्हें सरकारी बंगले में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मुझे लगता है इसमें नाराजगी नहीं जताना चाहिए, क्योंकि एक सांसद अपने क्षेत्र से जनता के द्वारा जब नहीं चुना जाता है, दूसरा चुना जाता है, तो उसमें सिर्फ एक ही दिन का अंतर होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है, एक चुन लिया जाता है और एक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या जो है उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, रिन्यूअल हो जाता है। तो अगर 200 सांसदगण जो है, उनको ये विचार करना चाहिए कि आप जब तक नहीं छोड़ते हैं, चुना हुआ सांसद खड़ा है सड़क पे, वो किसी वेस्टर्न कोर्ट के एक कमरे में अपनी सारी सांसद की कार्रवाई कर रहा है, तो जब ये पॉजिटिव भावना उनके अंदर आ जाएगी तो वो स्वयं ही जल्दी से उसको खाली कर देंगे। और मैं समझता हूँ ये तो बहुत लेट हो चुका है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा की माने तो पूर्व सांसदों से मकान खाली कराने के लिए उन्हें पूरा वक्त दिया जाना चाहिए और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनका सम्मान आहत नहीं हो। दलील ये भी है कि सभी सांसद आर्थिक तौर पर इतने संपन्न नहीं होते कि कम वक्त में नए मकान में शिफ्ट कर जाएं। ऐसी हालत में उनके दिक्कतों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके लिए कोई नीतिगत काम होना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे सरकारी अधिकारियों के लिए नीति है कि कितने समय तक रख सकते हैं, वैसे ही भूतपूर्व सांसदों के लिए बननी चाहिए। बदनाम ज़्यादा किए जाते हैं, वास्तविकता ये है कि भूतपूर्व सांसद, हर कोई व्यक्ति तो कोई बड़े पैसे वाले परिवार से नहीं आता, हर व्यक्ति कोई बड़ी कॉरपोरेट का या मल्टीनेशनल का नुमाइंदा नहीं है। तो आम लोगों के प्रतिनिधि जब आते हैं, उनको जाने के वक्त उनको सम्मान मिलना चाहिए। सांसदों को बेहतर आवास देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। सांसदों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए डुप्लेक्स फ्लैट भी बनाए गए हैं। नए मकान लुटियन दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में पुराने मकानों को तोड़कर बनाए गए हैं। इन डुप्लेक्स में सीसीटीवी, सीवरेज ट्रीटमेंट योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी तमाम सुविधाएं हैं। इस जगह पर पहले 64 फ्लैट्स थे। सांसदों के इन फ्लैट्स को तोड़कर अब 36 डुप्लेक्स बनाए गए हैं। सांसदों को नियमों के तहत सरकारी आवास मिलने में देरी न हो, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन पूर्व सांसदों की तरफ से मकान समय पर खाली नहीं करने से मुश्किलें आ रही हैं। इसकी वजह से नए सांसदों के लिए क्षेत्र के लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना आसान नहीं। स्वयं को तो एक कमरे से ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन सांसद के लिए एक सबसे बड़ा काम रहता है, उसके क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और आने वाले हर एक के मन में रहता है कि मेरे यहां रात को रुकने की यहां व्यवस्था हो जाए। और सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को पता होता है कि जगह हो या ना हो, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। अब इस समस्या को बाहर के लोगों के लिए अनुभव करना बड़ा मुश्किल होता है, और सांसद को पता होता है कितनी बड़ी कठिनाइयां रहती हैं। सांसदों के लिए मकान की कोई कमी ना रहे, इसके लिए संसद की आवास समिति की तरफ से कई नए कदम उठाए गए हैं। बावजूद इसके पूर्व सांसदों के लेट लतीफी की वजह से मौजूदा सांसदों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिन पूर्व सांसदों के मकान खाली नहीं करने की वजह से नए सांसदों को अब तक सरकारी आवास नहीं मिल पाया है, हमने उनके घरों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि सरकारी मकान खाली करने को लेकर यहाँ क्या हलचल है। सबसे पहले हम पहुँचे यूपी के बलिया से पूर्व सांसद भरत सिंह के आवास पर। भरत सिंह 2014 में बीजेपी की टिकट पर सांसद बने थे। भरत सिंह जो बीजेपी के ही सांसद बलिया से सांसद थे, उनका आवास है, पूर्व सांसद हैं। इसी तरह के जो और सांसद हैं जो चुनाव नहीं जीते हैं इस बार, तो उन सांसदों को नोटिस दिया गया है। भरत सिंह के घर पर मौजूद हैं स्टाफ, जो बता रहे हैं कि वो तो अभी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि उन्हें पता है कि घर खाली करना है। वो कह रहे हैं कि जल्द ही खाली करेंगे। इसी तरह के अधिकतर पूर्व सांसदों ने जो सरकारी आवास हैं उन पर कब्जा कर रखा है, लिहाजा नए सांसदों को दिक्कत होती है। ये नॉर्थ एवेन्यू में 125 नंबर है, देख रहे हैं आप, जो भरत सिंह बलिया से सांसद रहे हैं, 2014 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में वो चुनकर नहीं आए हैं, लिहाजा अब इस आवास को खाली करना है। हर आदमी सबको मालूम है, जो सांसद नहीं है उसको खाली करना ही है। इसके बाद हम पहुंचे 19 त्रिमूर्ति लेन के पास। ये आवास पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद पीपी चौधरी का है। पीपी चौधरी ने मंत्री के नाते मिला बंगला अब तक खाली नहीं किया है।
बंगला अलॉट हुआ था उस घर में अभी भी रह रहे हैं। जैसे पीपी चौधरी हैं, जब मंत्री बने थे तो ये 19 तीन मूर्ति लेन ये बंगला उनको अलॉट किया गया था, लेकिन अब पीपी चौधरी मंत्री नहीं हैं लेकिन फिर भी उसी बंगले में रह रहे हैं। तो इस तरह के उदाहरण भी हैं, अक्सर होता ये है और नियम के मुताबिक होना ये चाहिए कि जैसे ही आप मंत्री नहीं रहते हैं तो मंत्रियों के लिए जो आवंटित बंगला है वो खाली कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे अभी भी जो पूर्व मंत्री हैं कि 2014 की सरकार में मंत्री थे और अब मंत्री नहीं हैं, वो अभी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। नहीं छूट रहा, नोटिस पर नोटिस भेजे गए कि बंगला खाली करो, लेकिन भूतपूर्व सांसद अब अभूतपूर्व मूड में आ चुके हैं, इसीलिए एक्शन का अल्टीमेटम तैयार कर दिया गया है। दिल्ली में हमने सरकारी आवास अब तक खाली नहीं करने वाले कई पूर्व सांसदों के आवास का जायजा लिया। हम 9 सफदरजंग रोड पहुंचे। ये कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पिछली बार आवंटित हुआ था, लेकिन खड़गे ने अब तक इसे खाली नहीं किया है। हमने इनके लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सामान तो हटा लिया गया है लेकिन अभी कुछ वक्त लग सकता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर इस वक्त दिल्ली में नहीं है, बैंगलोर में है, सामान की शिफ्टिंग हो रही है, ये दलील उन्होंने दी। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कोई पहला सांसद का बंगलो नहीं है जो खाली नहीं हुआ है। कांग्रेस की माने तो बंगला खाली कराने के साथ ही पूर्व सांसदों के सम्मान का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। शायद बहुत कम लोगों को इस देश में मालूम होगा कि भूतपूर्व सांसदों की जो पेंशन है वो चपरासी से भी कम है, तो प्रधानमंत्री को इस पे नीति बनानी चाहिए ताकि लोग सम्मान के साथ भेजे जाएं। जी मीडिया ने दिल्ली में 18 जनपद रोड का भी जायजा लिया। ये पिछली बार जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला के नाम पर आवंटित हुआ था, लेकिन चुनाव में हार के बाद भी अब तक दुष्यंत ने इसे खाली नहीं किया है। 2019 के बाद उन्हें इस कोठी को खाली करना था क्योंकि जो नए सांसद हैं उन्हें ये कोठी अलॉट की जानी थी, लेकिन आपको बता दें कि अब तक ये कोठी खाली नहीं हुई है। इस कोठी में अभी भी उनका जो स्टाफ है, उनका जो ऑफिस है, वो काम चल रहा है। आपको बता दें ऑफिस के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जब हमने उनसे पूछा कि आखिर क्यों नहीं खाली की गई और कब तक खाली होगा, तो जवाब आता है कि 10-15 दिन में खाली कर देंगे। दुष्यंत चौटाला खुद यहाँ मौजूद नहीं है, खुद वो अपने हरियाणा में मौजूद है, लेकिन फिलहाल इस कोठी पर उनका कब्जा बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या है कि इन सांसदों का मोह जो है इन सरकारी आवास से नहीं छूट रहा है, इन बंगलों से नहीं छूट रहा है। इसके बाद हम पहुंचे 11 है बलवंत राय मेहता लेन कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली। ये जनाधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव का सरकारी आवास है। ये बंगला भी खाली होना है लेकिन इसमें देरी हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस की पूर्व सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन का भी सरकारी आवास लगा है, दोनों अब तक खाली नहीं हुआ है। अब एक सांसद का ऑपरेशन है, उसके लिए मैंने 3 महीना मार्केट रेंट पर रिक्वेस्ट किया हुआ। जून में एक नोटिस आई थी, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आई है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम चाहते हैं, हम भाड़ा भी देख रहे हैं, हम एक मिनट भी रहना नहीं चाहते हैं। ये मेरे लिए गिल्टी है, मौत से बदतर है, मेरा ये अधिकार नहीं बनता। साफ है कि हर पूर्व सांसद के पास गिनाने को अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसे में नए चुने गए सांसद आखिर क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।